मामा भांजे का महा घोटाला, मामा यानी मेहुल चौकसी और भांजा यानी नीरव मोदी, दोनों ने पीएनबी बैंक में किया है 11,500 करोड़ का घोटाला। देश की दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में पकड़ी गई है 11,500 करोड़ की जालसाजी। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर उद्योगपति नीरव मोदी और उनके सहयोगियों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने विदेश से सामान मंगाने के नाम पर बैंकिंग सिस्टम में जानकारी डाले बिना ही 8 LOUs यानी लोन देने की गारंटी देने वाले दस्तावेज पर जारी करवाए, जिससे बैंक को हुआ है करोड़ों का नुकसान। और बड़ी खबर यह कि देश का 11,500 करोड़ रुपए डूबने की आशंका है। पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ रुपए का यह बड़ा घोटाला, जिसमें मुख्य आरोपी है डायमंड किंग नीरव मोदी। और बड़ी खबर यह कि यह पूरा पैसा डूबने की आशंका है, देश का 11,500 करोड़ रुपए डूबने की आशंका जताई जा रही है। पीएनबी घोटाले की पूरी एबीसीडी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह कि देश का 11,500 करोड़ रुपए डूबने की आशंका है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने जो पैसे गारंटी पर उठाए पीएनबी से, उसे लौटाया नहीं गया है। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, जांच एजेंसियों के संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अमांदा, मेरे साथ ओम प्रकाश हैं, जांच एजेंसियों पर पैनी नजर रखते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा ये किया कि स्विट्जरलैंड में इस वक्त नीरव मोदी है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 11,500 करोड़ का ये बड़ा घोटाला, ये हम पैसा कह रहे हैं कि क्या डूब गया, समझे इस बात को हम। बिल्कुल ज्योति, जो जांच एजेंसियों के हवाले से अब तक की जांच के दौरान पता चला है, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 11,500 करोड़ रुपया पूरी तरह से डूब गया है। इस वजह से डूब गया है क्योंकि ये पैसा बाहर विदेशी बैंकों, जो भारतीय बैंक के, जो भारतीय बैंक के विदेशों में, उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया है और अब पंजाब नेशनल बैंक को ये देनदारी है उसके ऊपर, यानी कि पैसा बाहर पेमेंट किया जा चुका है इसमें से अधिकांश रकम। लेकिन इस पैसे का सवाल ये है कि मेहुल चौकसी और नीरव ने इस पैसे का किया क्या, कहां इस्तेमाल हुआ? अभी तक के जो पीएनबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो जांच एजेंसियों के पास जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक मैक्सिमम तौर पर कच्चा हीरा मंगाया गया था इनकी सूरत में, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वहां पर ये कच्चा हीरा आया था। ये कच्चा हीरा लाया गया बैंकों के पैसे से, लेकिन बेच के पैसा कमा लिया इन उद्योगपतियों। तो क्या अब हम समझे कि ये पैसा वापस आ सकता है कहीं पर भी, ये लगता है आपको कि पैसा वापस आएगा? देखिए, ये पैसा तभी वापस आ सकता है ज्योति, जब ये दोनों वापस करना चाहें। अगर ये दोनों वापस करना नहीं चाहेंगे तो ये पैसा वापस नहीं आ सकता। और उस स्थिति में जो जांच एजेंसियां वो किस तरह का एक्शन लेती हैं और इनकी कितनी संपत्तियां नीलाम करती हैं, अगर वो स्टेज आती है तो उस स्थिति में पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जांच एजेंसियों के ऊपर अमांत्रा, अब सब कुछ है कि जांच एजेंसियां इस मामले को कैसे आगे बढ़ाती हैं। अमांत्रा बिल्कुल ज्योति, देखना यही है कि मामला कैसे आगे बढ़ेगा, जांच एजेंसियां कैसे ये सुनिश्चित करेगी कि देश का ये पैसा वापस आए। देश का 11,500 करोड़ रुपए डूबने की आशंका जताई जा रही है। नीरव मोदी चौकसी ने बैंक को पैसा लौटाया ही नहीं है और अब आशंका ये जताई जा रही है कि देश का 11,500 करोड़ घोटाले का जो पैसा है वो डूब सकता है। आशंका यही जताई जा रही है कि देश का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, टैक्स पेयर्स का ये पैसा डूब सकता है। बड़ी आशंका जताई जा रही है कि ये 11,500 करोड़ रुपए वापस आएगा ही नहीं। नीरव मोदी, आपको बता दें, विदेश भाग चुका है, स्विट्जरलैंड के दावोस में है और अब ये जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है कि कैसे ये पैसा वापस लाया जाए। सीधा रुख करेंगे हम ज्योति का, जो कि पूरा ये घोटाला, इसकी एबीसीडी हमें सिंपल शब्दों में समझाएंगी। जो बिल्कुल बिल्कुल आसान शब्दों में एबीपी न्यूज पर हम समझाने वाले हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या, कैसे हुआ, एक एक सवाल का जवाब आपको अब इस रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है, आप समझिए इस बात को, क्या हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा घोटाला, कहां हुआ, ये मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की फोर्ट ब्रांच के अंदर हुआ है। कितना बड़ा घोटाला हुआ, 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले का शक है। कब से ये घोटाला चल रहा था, 2011 से ये घोटाला चल रहा था। कैसे पकड़ा गया, नीरव मोदी मेहुल चौकसी मामले की जांच में खुलासा हुआ कि बड़ा घोटाला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। कौन है नीरव मोदी, ये हीरो के बड़े व्यापारी है, हीरो के बड़े कारोबारी है। मेहुल चौकसी कौन है, गहनों के बड़े व्यापारी है, मामा भांजे हैं, दरअसल ये दोनों में रिश्ता भी है। कैसे हुआ ये घोटाला, देखिए पंजाब नेशनल बैंक से LOU लेकर विदेश से सामान लिया गया, सामान मंगवाया गया। अब सवाल यह है कि ये LOU है क्या, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, बैंक खरीदार की गारंटी देता है कि उसके पैसे का वो पेमेंट करेगा, ये बैंक गारंटी देता है। अब LOU
क्या है, गारंटी दस्तावेज के आधार पर बैंक लोन दे देते हैं इस एलओयू पर। आरोप क्या है, बैंक अधिकारी की मिलीभगत से एलओयू बनवाया गया मेहुल चौकसी की तरफ से और साथ ही नीरव की तरफ से। क्या मिलीभगत हुई, मिलीभगत ये हुई कि आपने बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से एलओयू बनवा लिया। क्या मिलीभगत बैंक के सिस्टम में एलओयू की जानकारी नहीं है, किसी रिकॉर्ड में ये जानकारी नहीं है। कब खुलासा हुआ, खुलासा हुआ जनवरी में, नीरव के लोग जब भुगतान के लिए पहुंचे तब खुलासा हुआ, फ्रेश एलओयू बनवाने के लिए पहुंचे तब इस बात का खुलासा हुआ। अब बैंक ने किया क्या है, बैंक ने इस बात की जानकारी सीबीआई को दी, ईडी को दी और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस घोटाले की जानकारी दी कि ऐसा कुछ हो रहा है और इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पीएनबी के 10% तक शेयर गिर गए। अमांद्रा, बिल्कुल ज्योति, हमने पूरी एबीसीडी इस बड़े जटिल घोटाले की आसान शब्दों में आपसे समझी है। नीरव मोदी हीरों का बड़ा व्यापारी है और उसका मामा मेहुल चौकसी भी गहनों का बड़ा कारोबारी है। मामा भांजे पर पूरे 11,500 करोड़ बैंक का लूटने का आरोप है। ग्लैमर की दुनिया में नीरव मोदी जाना माना नाम है। 48 साल उम्र है नीरव मोदी और उनके नाम से हीरों का बड़ा ब्रांड है। नीरव मोदी कितनी बड़ी हस्ती है देखिए आप। नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए घोटाले को अंजाम देने का आरोप। नीरव मोदी के बनाए गहने करोड़ों में बिकते हैं। साल 2014 में नीरव मोदी का बनाया एक नेकलेस 50 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। सीबीआई भले ही नीरव मोदी को ढूंढ रही हो लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि नीरव मोदी भारत में है ही नहीं। अब सवाल है कि नीरव मोदी को क्या भारत सरकार ला पाएगी, क्या नीरव मोदी से पैसे वसूल पाएगी सरकार। I am not involved with this, so it won't be fair for me to either comment on this or for you to expect me to say something which I don't know. अधिकारी भी इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीरव मोदी दुनिया की डायमंड कैपिटल कहे जाने वाले बेल्जियम के एंटवर्प शहर के मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मुंबई में नीरव मोदी ब्रांड का हेडक्वार्टर है और दुनिया भर में नीरव का व्यापार फैला हुआ है। तो ये तो हुई भांजे की बात। नीरव मोदी के साथ साथ मेहुल चौकसी भी गहनों के कारोबारी हैं। वो नीरव के मामा हैं। गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से आपने सुना होगा, वो मेहुल का ही है। उस मशहूर ज्वेलरी ब्रांड गीतांजलि के हेड है मेहुल चौकसी। देश की जानी मानी हस्तियों के साथ मेहुल चौकसी की फोटो देखकर आप उनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मेहुल चौकसी ज्वेलरी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। गीतांजलि का बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए, यूके, बेल्जियम, इटली, मिडल ईस्ट, चाइना, सिंगापुर और जापान में भी है। गीतांजलि कंपनी की स्थापना साल 1966 में हुई थी। मेहुल चौकसी के पिता ने कंपनी की स्थापना की थी। गीतांजलि दुनिया भर में हीरों का निर्यात करती है लेकिन पीएनबी बैंक घोटाले में नाम आने के बाद मेहुल चौकसी पर सीबीआई ने 5 फरवरी को केस दर्ज कर लिया। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो ग्लैमर, फैशन की दुनिया के, चमक दमक की दुनिया के दो बड़े नाम, इन्होंने कर दिया है ये बड़ा घोटाला और इन पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला। पीएनबी में 11,500 करोड़ का महा घोटाला। मुंबई की एक ही ब्रांच ने किया घपला। 280 करोड़ पहुंच गया देश के बाहर। डायमंड किंग नीरव मोदी पर रिपोर्ट दर्ज। गीतांजलि ज्वेलर्स के मेहुल चौकसी भी फंसे। आप देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक घोटाले पर बड़ी कवरेज, बड़ी बातें आपको बताते हैं। अब तक इस महा घोटाले से जुड़ी हुई 11,500 करोड़ का यह बड़ा घोटाला, इससे जुड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का महा घोटाला सामने आया है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने बैंक के रुपए डकार लिए। मामा भांजे की यह जोड़ी है बैंक से पैसे लेकर विदेश से कच्चे हीरे बनाए, हीरे के गहने बनाकर बेचे, बैंक को पैसे नहीं लौटाए। कई साल से यह सिलसिला चल रहा था और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें,
पीएनबी के शेयर्स में देखी गई है बड़ी गिरावट। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स में आई है भारी गिरावट। घोटाला सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 7% तक गिर गया है। गीतांजलि के शेयर में 15% की गिरावट आई है। ये बड़ी खबर शेयर बाजार से आ रही है, घोटाला सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। और इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट धीरेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेंद्र कुमार जी, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और इसका सीधा सीधा असर पड़ा है पीएनबी के शेयर्स पर, साथ ही साथ गीतांजलि ज्वेलर्स के शेयर्स पर भी। जी हाँ, पीएनबी में जिस तरह से ये घोटाला सामने आया और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो इसका सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, उससे बच करके ये इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया और ये जो ट्रांजैक्शन का स्केल है ये ब्रांच लेवल पे हो गया, जिससे कि आशंका होती है कि क्या कोई भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इस बैंक में है या नहीं है। क्योंकि बैंकों का कर्ज देना और कर्ज में कर्ज की वापसी में समस्या हो जाना ये एक बात है, ये किसी तरह का गारंटी देना और उसके लिए सारे रूल्स का इंटरनल सिस्टम का वायलेशन, ये काफी ज्यादा आशंका, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। और इस तरह के कितने सरप्राइज होंगे, हम ये कहा जाता है कि किसी भी कभी भी कॉकरोच एक नहीं होता है, अगर कॉकरोच एक दिख रहा हो तो ढेर सारे होते हैं, छुपे होते हैं। इस तरह इन आशंकाओं की वजह से, और मुझे लगता है कि ये एक आखिरी नेल है पब्लिक सेक्टर बैंक के कंडक्ट पे कि किस तरह से किसी भी तरह के रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो नहीं किया जाना। जी धीरेन्द्र जी, आप कह रहे हैं कि इससे ये साफ हो जाता है कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनमें किसी भी तरह का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मेहुल चौकसी की तरफ से सफाई दी गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। गीतांजलि कंपनी की सफाई आई है, जिन 3 कंपनियों को लेकर मेहुल चौकसी पर FIR दर्ज की गई है उसको लेकर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। मेहुल चौकसी की यह सफाई, डायमंड आर यूएस कंपनी में मेहुल चौकसी कभी पार्टनर थे, 1999 में ही चौकसी कंपनी से रिटायर हो गए। गीतांजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनकी ये सफाई। FIR में दर्ज 2 कंपनियां सोलर एक्सपोर्टर्स और स्टेलर से मेहुल चौकसी का कोई लेना देना नहीं है। BSE को यह सफाई दी है मेहुल चौकसी की कंपनी ने, गलत तरीके से मेहुल चौकसी को फंसाया गया है, हम उचित कार्रवाई करेंगे। तो गलत तरीके से मेहुल चौकसी को फंसाया गया है उनकी कंपनी गीतांजलि ज्वेलर्स की, ये सफाई BSE को ये सफाई दी गई है। और अब आपको बताते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्या होगा पंजाब नेशनल बैंक का, कितना बड़ा ये बैंक है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की शेयर बाजार में कुल कीमत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 35,365 करोड़। कल घोटाले की खबर से PNB का शेयर 10% गिर गया था और आज फिर गिरावट देखी गई है 7% की। PNB शेयर के निवेशकों को कल 3,844 करोड़ का नुकसान हुआ। PNB पर पहले से ही NPA का भारी दबाव है और एक और ये बड़ा चूना लगा है PNB को। PNB का NPA यानी डूबा हुआ कर्ज करीब 57,630 करोड़ रुपए है। सरकार ने बैंकों की मदद के तहत PNB को 5,473 करोड़ देने का ऐलान किया है। अब 11,500 करोड़ के घोटाले से PNB की हालत और बुरी हो जाएगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।